हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो इसको करना कैसे है, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। फोर्थ डिफरेंशिएशन डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर माइनस वाई इक्वल टू वन सब्जेक्ट टू कंडीशन, और ये हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म से इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूं, ऊपर की इक्वेशन को एज यूजुअल फिर से लिख लेता हूं। डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर माइनस वाई इक्वल टू वन। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं। तो अगर दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको जैसे मैंने अभी लिखा, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पर होगा वन एस, ठीक है। तो अब कहीं कहीं जगह जैसे वन से एस में कन्वर्ट करना है, इसको इन शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो ये जो फंक्शन है डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये जरा समझ लेते हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि यहां पर आपके पास ये फोर्थ डिफरेंशिएशन है। तो अगर आपके पास एफ डैश टी होता तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अगर आपके पास डबल डिफरेंशिएशन का करना है तो ये होगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एस की पावर जीरो एफ डैश जीरो। इसी तरीके से अगर ये थर्ड डिफरेंशिएशन के लिए होता तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता एक्स एस क्यूब एफ एस एस स्क्वायर एफ जीरो एस एफ डैश एक्स एक्स क्यूब एस क्यूब एस स्क्वायर एस देन एस की पावर जीरो और एफ डबल डैश एस। सॉरी, यहां पर जीरो होगा, ये एस नहीं होगा, यहां तो जीरो होगा। और ऐसे ही अगर हमारे पास फोर्थ डिफरेंशिएशन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना होता तो ये होता एस की पावर फोर एफ एस माइनस एस की पावर थ्री एफ जीरो माइनस एस की पावर टू एफ डैश जीरो माइनस एस एफ डबल डैश जीरो माइनस एस की पावर जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फोर्थ एफ डैश एक्स एस में कन्वर्ट करना है। तो इसका होगा हमारे पास एस फोर एफ एस, सारा कुछ यही हमने लिखना है। तो मैं लिख के दिखा देता हूं, एस थ्री एफ जीरो एस स्क्वायर एफ डैश जीरो एस एफ डबल डैश जीरो एस की पावर जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, आपको बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, वाई जीरो वाई डैश जीरो वाई डबल डैश जीरो वाई ट्रिपल डैश जीरो, इन सब की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो इससे कि जो हमारे पास एफ डैश जीरो है ना, इसका मतलब ही वाई डैश जीरो है, दोनों का मतलब एक ही है। जो वाई जीरो है ना, इसका मतलब है एफ जीरो, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो अब हमें ये चीज भी जीरो दे रखी है, ये चीज भी जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो जो हमारे पास बच गया वो है एस फोर एफ एस। तो ये सब खत्म हो चुके, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म मैंने दिखा दिया आपको। अब जरा ये देखिए, जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वाई एस, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, और इसका फॉर्मूला याद रखना, इसका फॉर्मूला यहां पर एफ एस होता है, ठीक है। जितने भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई होता है एफ एस। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म मिल गया। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है,
लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन एस, इसको हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपली वन लिख सकते हैं, जो होगा हमारे पास वन ओवर एस। तो मैंने आपको यहां पर तीनों के लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको बता दिए। अब वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले इसकी पुट करते हैं। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है एस फोर एफ एस, फिर उसके बाद जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो है ये एफ एस, फिर है वन ओवर एस। इसके बाद यहां से अगर मैं एफ एस कॉमन निकाल लू, ये हो जाएगा एस फोर माइनस वन इक्वल टू वन बाय एस, और यहां से एफ एस की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर एस एस फोर माइनस वन। इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर एस एस स्क्वायर माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन। यहां तक समझ में आया होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, वन ओवर एस एस स्क्वायर माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए ओवर एस प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एस स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस ई ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। पता है ना ये है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे हम ऐसे। तो यहां से जब ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लोगे, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर एस। अब यहां पर जो बी एक्स नहीं है, बी एस, बी एस है, ठीक है, एस है। तो बी एस प्लस सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी पी ओवर टू, तो मतलब एस ओवर टू, तो एस ओवर टू ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वन। पूरा सॉल्व करके निकाल रहा हूं, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहां पर जो ये डी एस प्लस ई है ना, इसकी भी वैल्यू आएगी एस ओवर टू एस स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से आपके पास वन ओवर एस एस स्क्वायर माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन, इसको आप इस फॉर्म में अब लिखेंगे। तो इसका मतलब है इस, क्योंकि एफ एस इसके बराबर था और ये इसके बराबर है, तो इसको हम एफ एस ही बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एफ एस निकाल लिया, एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको जरा एक चीज समझा दूं, ध्यान से देखें कि हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई को क्या लिखा था, एफ एस लिखा था, ठीक है। और अगर तुम्हें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं नीचे बताता हूँ, एक बार फिर से नीचे बताता हूँ आपको, तब समझ में आ जाएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y को हमने क्या लिखा था, एफ एस लिखा था। और अगर तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ इनवर्स लैपलेस को यूज करना पड़ेगा, इनवर्स लैपलेस को दोनों तरफ यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ वाई बचा और ये हो गया एल इनवर्स एफ एस। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं दोनों तरफ यहां पर और यहां पर इनवर्स लैपलेस ले लेता हूं। तो जब यहां पर इनवर्स लैपलेस लूंगा मैं, एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू, तो यहां पर भी लेना पड़ेगा, माइनस को बाहर रखें, एल इनवर्स वन ओवर एस, यहां पर हो जाएगा वन बाय टू को बाहर रखें, तो एल इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाय टू, दूसरा है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन एल इनवर्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये, जरा ध्यान हो, कुछ के जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है हमारे पास, वन ओवर एस। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन होता है वन ओवर एस, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं, इसका मतलब वन ओवर एस का, वन ओवर एस होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, तो इनवर्स ऑफ वन ओवर एस होता है हमारे पास इनवर्स ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, ये हट गए तो कितना आया, वन आ गया। बात समझ में आ गई होगी, जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म तुमने जिस फंक्शन का पढ़ा है उसी का उल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। तो यहां पर तो मैं लिख लेता हूं माइनस वन, यहां तक समझ में आ गया होगा। प्लस ये है वन बाय टू। अब जरा गौर फरमाएं कि कॉस एच एस का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस वन, यही होता है। तो देखो यहां पर ये दे रखा है कॉस एच एस का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये होता है, तो इसका इनवर्स लैपलेस होगा कॉस एच एक्स कॉस एच एस, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं
कॉस एच एस, इसी तरीके से कॉस टी का, ठीक है, टी लिखना पड़ेगा यहां पर हमें टी, क्योंकि वापस टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉस टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या, इनवर्स लैपलेस क्या होगा, कॉस टी होगा। तो यहां इसकी जगह हम रख लेते हैं 1/2 cos। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि इनवर्स ऑफ एफ एस ये कितना होगा आपका, वाई होगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वाई इक्वल टू -1 + 1/2 cos ht +1/2 cos t। इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।